वेलकम दोस्तों। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनल में मिस्टर डॉजी इन्विटेशनल 2.2 और अनीश गिरी को बस हराना है बहादुर जुबावा को फाइनल्स जीतने के लिए। तो चलिए मैच की तरफ चलते हैं। अनीश के पास थे वाइट पीसेस और गेम की शुरुआत हुई e4। यहाँ पे खेला गया e5, नाइट f3, नाइट f6, पेट्रोव डिफेंस, नाइट कैप्चर्स e5। और देखिए यहाँ पर बहुत ही फेमस ओपनिंग ट्रैप है, अगर आप नाइट कैप्चर्स पॉन खेलते हैं तो क्वीन e2 के बाद अगर आप नाइट हटाएंगे तो ये ब्लंडर है। अगर आप नाइट f6 वगैरह खेलेंगे तो नाइट c6 चेक ऑन द स्पॉट विनिंग है, क्योंकि आपकी क्वीन अटैक्ड है और आपके किंग को चेक है। आप क्वीन लाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग ओपनिंग में ही एक क्वीन अप होंगे। तो ऐसा तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर पढ़ नहीं रहे ऐसे ट्रैप्स में। यहाँ पर खेला गया d6, नाइट f3, नाइट कैप्चर्स e4, d4 और d5। इस नाइट को सॉलिड करते हुए यहाँ पर बिशप d3, नाइट c6 और यहाँ पे कैसल किया अनीश ने बिशप e7। बहादुर भी अपने कैसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। नाइट bd2, इस नाइट को चैलेंज करते हुए नाइट कैप्चर्स d2, बिशप कैप्चर्स d2 और बिशप g4, इस नाइट को पिन करते हुए। तो देखिए अनीश ने कुछ प्रिपेयर किया था और वो यहाँ पे खेलते हैं c3। आइडिया कि हम लोग किंग क्वीन को c2 पे लाएंगे, इस पॉन को अटैक करेंगे, h3 खेलेंगे, फिर g3 के बाद किंग को यहाँ लाएंगे। तो गेम में हुआ कैसल्स, क्वीन यहाँ पे आया h3, बिशप h5 और देखिए g4 नहीं खेला गया, g3। आपको लग सकता है यार ये नाइट तो अनडिफेंडेड रह रहा है और ये पिन को और आप सॉलिड कर रहे हैं ब्लैक के लिए। तो यहाँ पे गेम में हुआ रुक e8 और किंग g2। यहाँ पे आया a6 और जो अनीश का आइडिया था क्वीन c2, इसको अटैक करते हुए। आपको लग सकता है अगर बिशप कैप्चर्स f3 आ रहा है, किंग कैप्चर्स f3, तो हमारा किंग तो बीच में आ गया, लेकिन आप लेट्स से बिशप d6 खेलते हैं चेक वगैरह देने के लिए। तो यहाँ पे बिशप कैप्चर्स h7, किंग h8 और बिशप d3, आप इस किंग को कैसे हंट करेंगे? क्वीन f6 चेक देंगे, किंग g2, हमारे पास बिशप पेयर एडवांटेज है, हमारे पास पॉन का एडवांटेज है, आपका किंग वीक है, तो यहाँ पे वाइट बेटर होता। इसीलिए बहादुर ने यहाँ पे खेला बिशप g6, रुक e1, अपने रुक को ओपन फाइल पे रखते हुए जैसा आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पीस या पॉन रास्ते में है तो वो रुक इतना एक्टिव नहीं रहता। क्वीन d7, बिशप f4, बिशप d6 और बिशप कैप्चर्स d6, क्वीन कैप्चर्स d6 और h4, बिशप कैप्चर्स d3 और क्वीन कैप्चर्स d3। काफ़ी ट्रेड हो गया है इस वक्त, अब हम लोग एक ही माइनर पीस है, अब कुछ जल्दी हम लोग एंड गेम में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे खेला गया h6, इस नाइट को यहाँ आने से रोकते हुए। तो अनीश ने खेला h5, इन सब पॉन को यहाँ पे फिक्स करते हुए। अगर आप चलेंगे तो ये कैप्चर कर लेगा। यहाँ पे आता है क्वीन f6, यहाँ पे खेला जाता है नाइट h4। जनरली जब भी आपका पॉन h5 वगैरह पे होता है तो प्लान होता है कि हम लोग नाइट को f5 स्क्वायर पे डेवलप करें। यहाँ पे खेला जाता है क्वीन g5, इस पॉन को अटैक करते हुए। तो क्वीन f3 प्रोटेक्ट करते हुए और मे बी नाइट को f5 पे लाने की तैयारी। यहाँ पे खेला गया रुक e6 जो कि मिस्टेक था। यहाँ पे बेस्ट मूव है आप क्वीन d2 खेलिए, इस वीकनेस को अटैक करिए, लेकिन यहाँ पे ये ब्लिट्स मैच है तो ऐसा होना लाजमी है। यहाँ पे रुक e6 के बाद ट्रेड हुआ, रुक कैप्चर्स e6 और f कैप्चर्स e6। जब भी चेस में ट्रेड होता है तो जनरली किसी एक साइड को कुछ एडवांटेज होता ही है। देखिए ये ट्रेड हुआ और ये स्क्वायर वेकेंट हो गया। तो यहाँ पे अनीश ने जंप किया नाइट से, नाइट g6, यहाँ पे नाइट e7 और यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिकली डिसीजन, हालांकि आप यहाँ पे f4 भी खेल सकते हैं। यहाँ पे है नाइट कैप्चर्स e7 चेक, क्वीन कैप्चर्स e7 और अनीश ने देखिए ये बैकवर्ड वीकेंड पॉन है तो इसको अटैक करना स्टार्ट किया। रुक e1, यहाँ पे है क्वीन d6 और क्वीन g4, इस पर डबल अटैक हो रहा है। तो रुक e8, अब देखिए आपको अपने पीसेस से इसको प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाइट थोड़ा सा पुश कर रहा है। यहाँ पे है रुक e5, रुक e7, क्वीन e2 और किंग f8। बहादुर का आइडिया है कि किंग को यहाँ से लाके इस पॉन को किंग के मदद से भी प्रोटेक्ट किया जाए ताकि मेरा एक पीस फ्रीली मूव कर सके। यहाँ पे है क्वीन e3, किंग e8 और b3। अनीश गिरी ने पॉन पुश करना स्टार्ट कर दिया क्वीन साइड पे और वो स्पेशियल एडवांटेज लेना चाहते हैं। किंग d7 और c4, यहाँ पे आए c6 और यहाँ पे खेला गया c5, इस क्वीन को अटैक करते हुए क्वीन b8 और b4।
अनीश क्वीन साइड पे स्पेशल एडवांटेज ले रहे हैं, क्वीन e8, a4, a3 नहीं a4, रुक f7, देखिए अब ये किंग और क्वीन प्रोटेक्ट कर रहा है, g4 इसको प्रोटेक्ट करते हुए, रुक f6, किंग g3, g5 और h कैप्चर्स g6, क्वीन कैप्चर्स g6 और क्वीन b3। आइडिया है कि हम लोग इस पुश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्वीन के सपोर्ट से। यहाँ पे आया क्वीन f7, देखिए यहाँ पे डबल करते हुए इस फाइल पे अपनी क्वीन और रुक की बैटरी को, तो यहाँ पे पहले खेला गया f3 क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है क्वीन भी, तो किंग c7 और यहाँ पर आया किंग g2, रुक g6, तो यहाँ पे खेला गया क्वीन e3, किंग d7, रुक h5 इसको अटैक करते हुए, और ये वो पॉइंट था जहाँ पे जुबावा पेशेंस लूज कर गए और उन्होंने खेला रुक f6, और इस पॉन को देखिए अनीश ने ग्रैब किया, रुक कैप्चर्स h6, क्वीन g7 और रुक कैप्चर्स रुक, क्वीन कैप्चर्स f6 और किंग g3। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं अनीश गिरी के पास ये दोनों पॉन्स काफ़ी स्ट्रांग है किंग साइड पे और ऑलमोस्ट विनिंग है अनीश गिरी यहाँ पे। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होता है, क्वीन g6, क्वीन f4, इस क्वीन को देखिए अब तो जगह मिली है फिल्ट्रेट करने के लिए क्वीन साइड पे, लेकिन ये दोनों पॉन्स काफ़ी स्ट्रांग हैं। यहाँ पे है क्वीन b1, क्वीन f7 चेक, किंग c8, क्वीन f8 चेक, किंग c7, क्वीन d6 चेक, यहाँ पे है किंग c8, क्वीन f8 चेक, चेक के साथ हम लोग ये पॉन कैप्चर करेंगे, किंग c7, क्वीन d6 चेक, किंग c8 और क्वीन कैप्चर्स e6 चेक, यहाँ पे है किंग b8 और देखिए यहाँ पे खेला गया क्वीन e5 चेक, सब कुछ वेल प्रोटेक्ट करते हुए, किंग a7 और यहाँ पे पुश हुआ g5, यहाँ पे ग्रैब किया जुबावा ने क्वीन कैप्चर्स b4, g6, लेकिन आप इस पॉन को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पे है क्वीन कैप्चर c4, g7, अब देखिए एक ही स्क्वायर ये दूर है, तो जुबावरम ने एक लास्ट ट्रिक लगाई, क्वीन d1। अगर आपको लग रहा हो कि यार चलो प्रमोट करते हैं फिर अगले मूव में मेट है, तो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा गेम क्वीन g1 के बाद, आप किंग हटाएंगे यहाँ पे ये कैप्चर हो जाएगा। अनीश केयरफुल थे, उन्होंने यहाँ पे पहले खेला क्वीन g5, इसको प्रोटेक्ट करते हुए, देखिए यहाँ पर कुछ चेक जुबावर ने दिए, मे बी ट्राई करते हुए कुछ, लेकिन यहाँ पे क्वीन g1 चेक के बाद आया किंग f4, अब ट्रेड करेंगे तो फिर ये पॉन विनिंग ही है। यहाँ पे रेपिटेशन का ट्राई किया जुबावर ने, क्वीन कैप्चर्स d4 चेक, किंग f5, क्वीन d3 चेक, किंग e6 और क्वीन e2 चेक लास्ट था, इसके बाद अनीश ने खेला किंग d7 और देखिए अब आप चेक को कैसे रोकेंगे, आप इस किंग को और चेक नहीं दे सकते, इसको प्रमोट होने से नहीं रोक सकते। जुबावा ने यहाँ पे खेला d4, g8 क्वीन, देखिए दो क्वीन आ गई बोर्ड पे, यहाँ पे आया d3, क्वीन 5, d8, थ्रेटन करते हुए चेकमेट, और यहाँ पे देखिए एक मूव दूर है। अगर आप सोचिए ये पॉन यहाँ पे होता, ये प्रमोट होकर क्वीन होता और ये गेम पलट जाता, तो वो देख सकते हैं आप वो पोजीशन जहाँ पे हम लोग अनीश गिरी चेक दे रहे थे फिर ग्रैब किया, वो एक मूव कितना इंपॉर्टेंट होता है चेस में। तो इसी के साथ अनीश गिरी ने ये टूर्नामेंट इस साल भी जीत लिया, मिस्टर डॉजी इन्विटेशनल। मुझे तो लगता है कि मिस्टर डॉजी इन्विटेशनल 3.0 भी होगा अगले साल, क्योंकि ये लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है इवेंट। और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्लिप है जो अनीश गिरी ने जीतने के बाद ये इवेंट थोड़ा सा डांस कह सकते हैं आप उन्होंने किया था, तो ये आप क्लिप देखिए। तो ऐसी और इंटरेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल सजेशन प्लीज आप कमेंट करें।